हेलो एवरीवन, एबीसी एंड व्लॉग अस्मत बेकिंग कुकिंग एंड व्लॉग्स में देखते जाइए वीडियो व्लॉग्स एंड शॉर्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो मैं राइस की डिश पका रही हूँ उस पे राइस हैं, बहुत अच्छे, बहुत टेंडर, और एक उज़्बेकिस्तान की एक चावल की डिश है जिसमें वो लैम्प इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी सी बोटियाँ होती हैं, कुछ किशमिश होती है और गाजर पड़ी भी होती है उसमें। तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और अपने स्पाइसेस के साथ, इसमें कुछ मिडिल ईस्टर्न स्पाइसेस होते हैं, उनका गरम मसाला एक ही तरह का होता है, वही सब कुछ गरम मसाले की चीज़ें, मगर थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के साथ इस्तेमाल की हैं। तो देखते जाइए वीडियो। मैंने मरजान चावल इस्तेमाल किए हैं जो कि पाकिस्तानी चावल हैं, बहुत अच्छे रहते हैं पकाने में। 4 कप चावल लिए और उनको देखिए कितने अच्छे लॉन्ग ग्रेन राइस हैं, उनको अच्छी तरह से धो लिया और तकरीबन 1/2 आवर के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दिया। चावल भीगे हुए हुए तो बहुत अच्छे पकते हैं। जब ये भीग जाएं, इतनी देर में 2 प्याज चॉप कर ली, रफली चॉप की हैं, उसमें लहसुन लिया है और गरम मसाला, स्याह जीरा, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, 1/4 कप ऑयल डाला पॉट में, उसके अंदर पहले तेज़पत्ता डाल दिया, बे लीफ डालने के बाद गरम मसाला डाल दिया सब। जब ये अच्छी तरह से ऑयल में पूरी तरह से पक गया तो उसके अंदर प्याज डाल दी, लहसुन के जवे इसी तरह से डाल दिए और उनको खूब अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया। जब ये थोड़ा, और फिर जब ये ब्राउन हो गई तो बे लीफ निकालने के बाद बाकी सारा मसाला एक छोटे ग्राइंडर में डाल के और सब मसाले को, गरम मसाला जितना साबुत नज़र आ रहा है ये सब, और प्याज ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें और एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा। सब मसाला ग्राइंड कर लिया, ये देखिए बहुत अच्छा मसाला है ये और खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब 2 गाजर लें, इसमें मैं गाजर जूलियन करके और किशमिश इस्तेमाल कर रही हूँ। गाजर को मैंने जूलियन कर लिया, ये थोड़ी सी लंबी लंबी सी जूलियन हो रही है, इसके छोटे छोटे से बारीक बारीक टुकड़े भी काट सकते हैं, मगर इस लंबी लंबी सी जूलियन को मैं बीच में से काट दूँगी ताकि वो छोटे छोटे साइज़ की हो जाए। अब ज़रा ज़्यादा लंबी है ये, तो इसको मैंने कैंची की मदद से काट दिया। अब ये पूरी तरह से कट गई है, इसे एक पानी से अच्छी तरह से धो लिया और धोने के बाद उसे किसी छन्नी में निकाल दिया ताकि पानी इसका सारा ड्रेन हो जाए। गाजर बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत अच्छी जूलियन कटी है। 1/2 कप ब्लैक वाली रेजन का किशमिश ली है, किशमिश को धो लिया अच्छी तरह से, 1/2 कप किशमिश को, और एक फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के किशमिश को टोस्ट कर लिया। टोस्ट करने से बहुत अच्छी सॉफ्ट सी हो जाती है ये, इसके ऊपर गाजर डाल दी। ये प्रोसेस मैं पॉट में भी कर सकती थी मगर मुझे राइस को आधा आधा रखना है, तो पॉट में मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला, उसके अंदर ये सारा मसाला पिसा हुआ डाल दिया और 5 कप पानी डाल दिया और पानी के अंदर 1 टेबल स्पून नमक डाल के उसे उबलने दिया। जब पानी उबल जाएगा इतनी देर में चावल को छन्नी में डाल के, पूरे स्ट्रेनर में डाल के, छन्नी में डाल के पानी सारा निकाल लिया उसका। ये एक टिप है कि चावल जब भी डालें तो पानी को खूब अच्छी तरह उबलता हुआ हो और उसके बाद चावल के अंदर कोई पानी ना हो, उसको छन्नी में निकालने के बाद उसमें डालें। जब एक उबाल आ जाए तो उसमें 1/2 लेमन काट के वो स्क्वीज कर दें, तो बहुत अच्छा सा खिले खिले चावल पकते हैं, उससे बहुत मुशी नहीं होते हैं। अगर प्रॉपर मुनासिब पानी हो चावल में तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं। अब आधे पॉट में मैंने किशमिश और गाजर डाल के ऊपर से थोड़े से और चावल डाल दिए और दम पे कर दिया, बिल्कुल लो हीट पे 15 मिनट्स के लिए, बहुत अच्छे टेंडर हो गए ये देखें। अब
ये डिश आउट कर लेते हैं इसको। स्मोकी बीफ बोटी और उज़्बेक राइस थोड़े से डिफरेंट तरीके से पके हैं। बस जब कभी पकाना हो कोई ऐसा लंच जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर हो, डिफरेंट स्टाइल से पके हुए हों, तो एक ज़रा यूनिक सी चीज़ हो जाती है। आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं। ये स्मोक डाल दें, उसमें थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर दें मीट के ऊपर, चावल के ऊपर और सैलड में, एक अपना सा फ्लेवर, एक डिफरेंट सा फ्लेवर आ जाता है उसमें, अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना के खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मसाले हैं जो इस दुनिया में जब हम देखते हैं चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं नई चीज़ें, तो पकाने का भी दिल जाता है। तो बस पैसे बचाइए, मज़ा उठाइए, घर में बनाइए। तो ये स्लोगन के साथ देखते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्जॉय करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।